इधर पंत ने जड़े छक्के तो उधर मुंबई के कप्तान अंपायर पर हो गए आग बबूला। मुंबई की हार सामने देख अपना गुस्सा रोक नहीं पाए कप्तान हार्दिक पांड्या। बीच मैच हार्दिक पांडे का पारा हुआ गर्म, चीखते चिल्लाते अंपायर से जा भिड़े। आईपीएल 2024 में 43वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मुकाबले को दिल्ली कैपिटल्स ने 10 रन से अपने नाम कर लिया। इस सीजन मुंबई की 9 मैचों में 6 हार है, वही दिल्ली की 10 मैचों में 5वीं जीत। इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांडे का गुस्सा भी देखने को मिला। जब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे तब कप्तान हार्दिक पांडे अंपायर की तरफ चीखते चिल्लाते दिखाई दिए। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जिसके बाद जब मैदान पर कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रही थी तो हार्दिक पांड्या चीखते चिल्लाते देखा गया। दरअसल पंत बल्लेबाजी करते वक्त काफी समय ले रहे थे। दरअसल पीयूष चावला के ओवर के दौरान पंत बल्लेबाजी के लिए तैयार होने में काफी समय ले रहे थे। इस दौरान हार्दिक पांडे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रही थी और ये सब देख कर पांड्या फील्ड अंपायर पर चिल्लाते दिखाई थी, जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया। दरअसल 10वें ओवर में अभिषेक पोरेल 27 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए थे। उनके बाद एक नया बल्लेबाज क्रीज पर उतरा जो तैयार होने में बहुत अधिक समय ले रहा था। इस कारण हार्दिक पांडे को गुस्सा आ गया और वो बाउंड्री पर खड़े रहकर अंपायर पर चीखते चिल्लाने लगे। हार्दिक ने इस बीच घड़ी की ओर इशारा कर गुस्सा निकाला कि इतना समय क्यों लिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अंपायर के पास जाकर शिकायत भी की। आपको बता दें कि ग्राउंड ऑफिशियल्स के साथ बहस करने के कारण विराट कोहली अपने मैच का 50% जुर्माना भुगत चुके हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में अंपायर पर चिल्लाने के लिए हार्दिक पांडे पर भी गाज गिर सकती है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 257 रन बनाए थे। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए जैक फ्रेचर मैकगर्ग ने 27 गेंदों पर सबसे ज्यादा 84 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी पारी के दौरान जैक ने 11 चौके और 7 छक्के भी लगाए। इस मैच में मुंबई इंडियंस की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर डाले। इस दौरान पांड्या ने 20 से ज्यादा की इकोनॉमी से 41 रन खर्च कर डाले और उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। मुंबई की इस हार के साथ टीम के लिए प्लेऑफ की राह भी कठिन होने लगी है। आपको बता दें कि इस तरह के बर्ताव के लिए सोशल मीडिया पर लोग हार्दिक को आड़े हाथों ले रहे हैं। हार्दिक ने गेंदबाजी के दौरान 2 ओवरों में 41 रन तो लुटा ही दिए थे, जिसके कारण फैंस का कहना है कि खराब बर्ताव के लिए उन्हें तुरंत मुंबई की कप्तानी से बर्खास्त कर देना चाहिए। याद दिला दें कि पांड्या इस मैच में 24 गेंदों में 46 रनों की पारी खेलकर भी मुंबई इंडियंस को जीत नहीं दिला पाए थे। आईपीएल 2024 में मिल रही लगातार हार और फैंस की बेरुखी से हार्दिक पांड्या बुरी तरह से टूट चुके हैं। इसका असर भी अब उनके ऊपर साफ दिखाई पड़ता है। मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 में खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। जहां एक तरफ बीसीसीआई जल्दी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर सकती है, तो वहीं हार्दिक की खराब फॉर्म और फिटनेस ने सेलेक्टर्स और कप्तान की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।